भगवान की भक्ति क्या है? दोस्तों, क्या आप पाखंड और दिखावटी पूजा को भी पहचानते हैं? या वाकई में ईश्वर भक्ति प्रेम की तलाश में है? दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान की भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है उसे ही भक्ति कहते हैं, अपनी देह अथवा पत्नी अथवा घर या अन्य विषयों के प्रति जो प्रेम है उसे आसक्ति कहते हैं। इन दोनों में जो भेद है उसे समझने की चेष्टा करें। भक्ति निसंदेह प्रेम रूपा है, किंतु हर प्रकार का और हर किसी से किया गया प्रेम भक्ति नहीं है। ईश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के प्रति उनकी सहनशीलता में प्रकट होता है। ईश्वर ने संसार में पापियों का पूर्ण रूप से नाश कभी नहीं किया। भारत की संस्कृति जिस भगवान का वर्णन करती है वे पाप से घृणा करते हैं परंतु पापियों से प्रेम करते हैं। राक्षसों को मिले वरदान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में कोई भी इंसान अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, बुरा मनुष्य की सोच होती है। अंत भगवान तो सभी से प्रेम करता है। ईश्वर कौन है, क्या है ईश्वर? इसके पहले हम ये खोजें कि कौन सा ऐसा प्रेम है जो किसी चीज पर आश्रित नहीं है। आपने अपने आप से जो प्रेम होता है वह बिल्कुल निरपेक्ष और निर्देशीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, तभी तो दर्पण में अपनी छवि बार बार निहारता है। आपका नाम, आपका चित्र अखबार टीवी में देखना चाहता है। इस प्रकार स्वयं के प्रति जो हमारा प्रेम है वह देश, काल, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो परम आनंद स्वरूप है वही परम प्रेम प्रेम का विषय हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या हूँ? मैं हूँ परम आनंद स्वरूप। और जब यह कहा गया है कि ईश्वर से ही प्रेम परम प्रेम हो सकता है और मेरा परम प्रेम अगर मैं स्वयं ही हूँ तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर मेरी आत्मा है और मेरे साथ ही है। ईश्वर मुझसे अलग नहीं है, परंतु हम हैं कि सोचते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हमें आनंद चाहिए तथा वह भी बाहर खोजते हैं। कितना बड़ा अज्ञान है ये। हम सब ईश्वर की संतान हैं और वो हम सब में वास करता है। पाप और पुण्य क्या है जानते हैं आप? ईश्वर मनुष्य को पापों से मुक्त देने के लिए या मुक्त करने के लिए कई बार अलग अलग रूपों में इंसानों के बीच आते हैं ताकि सभी का भगवान पर विश्वास बना रहे। भगवान में विश्वास रखने वाले को किसी प्रकार का कष्ट सामना ना करना पड़े, उनका किसी प्रकार से अहित ना हो और वे अपने जीवन में अनंत काल तक यश और वैभव पाता रहे। ईश्वर के प्रेम से मनुष्य जाति को असीमित अनुग्रह प्राप्त होता है। मनुष्य योनि को पाप की योनि बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाप से मुक्त होकर ईश्वर से अलग कर दिया जाता है। पाप का अर्थ उस लक्ष्य को खोना है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है। मनुष्य योनि में जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मनुष्य ईश्वर से प्रेम करे, वह संगति रखे तो प्रभु की कृपा भी बनी रहती है। हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि पाप की मजबूरी मृत्यु के समान है। ईश्वर का वरदान इंसानों के साथ अनंत जीवन से रहा है। आजकल के समय में इंसानों की गलत संगति और गलत काम काज से हमारे विचार और कार्य पाप से दूषित हो गए हैं। यदि संसार में पाप ना हो तो हमें अपने घरों में ताले लगाने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस चौकी और कारागार इसलिए हैं ताकि संसार में इंसानों के द्वारा हो रहे पापों की सजा दी जाए।
ईश्वर के हिसाब से हमारा छुटकारा हमारे द्वारा किया गया नेक काम ही दिला सकता है। गीता कहती है, किंतु दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य की दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सच्ची ईश्वर भक्ति ही उद्धार का मार्ग बनती है। सच्ची भक्ति हमें कहाँ मिलेगी? दोस्तों, ये सच्ची भक्ति केवल तीर्थ स्थलों पर जाना और मंदिरों में अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं होती है। दान देना, गरीबों की मदद करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अन्यथा और अथवा ऐसे सभी कार्य इंसानों को उद्धार दिला सकता है। ईश्वर किसी धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देने और इंसानों को अच्छे राह पर चलने के लिए ईश्वर ने हमें संसार में मनुष्य को ईश्वर का हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए अलग अलग रूपों में संसार में जन्म लिया। भगवान ने मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के कई प्रकार से निंदा, पीड़ा और कष्ट सहे हैं। ईश्वर का कहना है कि जो इंसान उन पर विश्वास करेगा, उन सब को अपने पास ले जाने के लिए ये बार बार मनुष्य योनि में अवतार लेते रहेंगे। ईश्वर एक है, अलग अलग जगहों पर भगवान को अलग अलग तरीकों से पूजा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जिसका शीर्षक था भगवान की भक्ति क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, ईश्वर कौन है, क्या है पाप और पुण्य, क्या है सच्ची भक्ति, कहाँ मिलती है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।